बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने आपके बुक के चैप्टर नंबर 6 का आगाज किया था, जिसके अंदर हमने पहला टॉपिक कवर किया था कंप्यूटर वायरस का और कॉजेज ऑफ वायरस का। आज के लेक्चर में हम वायरस की टाइप्स की डिटेल्स देखेंगे। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने वायरस की डिटेल्स देखी थी और वायरस क्या होता है, ये कुछ सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि आपके कंप्यूटर में इसीलिए दाखिल होती हैं ताकि उसे खराब कर सके, उसमें मौजूद डाटा को चुरा सके, मॉडिफाई कर सके और डाटा को लॉस कर सके। और फिर हमने ये देखा था कि ये वायरस आता किन किन सोर्सेस से है। तो उसमें सबसे कॉमन सोर्स है इंटरनेट। अगर आप इंटरनेट पर कोई पायरेटेड वेबसाइट से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, कोई पायरेटेड मूवी डाउनलोड करते हैं या फिर सॉन्ग्स वगैरह किसी ऐसी वेबसाइट से जो कि ऑथेंटिक नहीं होती, और वहां से वो वायरस उन वेबसाइट के थ्रू आपके कंप्यूटर में दाखिल हो जाता है, यानी आप कुछ भी डाउनलोड कर रहे हैं जो कि कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर है, पायरेटेड वेबसाइट के थ्रू कर रहे हैं, तो वहां पर से वो वायरस आपके कंप्यूटर में भी डाउनलोड हो जाएगा। इसके अलावा अक्सर सीडीज, डीवीडीज, यूएसबीज के थ्रू भी फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ये वायरस आपके कंप्यूटर में दाखिल हो जाता है। और फ्रेंड, आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि वायरस की टाइप्स क्या क्या होती हैं, यानी किस किस तरीके के वायरस आपके कंप्यूटर में अब तक दाखिल हो चुके हैं, यानी किसी भी कंप्यूटर में दुनिया में अब तक जितने भी वायरस दाखिल हो चुके हैं, तो उनमें से कुछ वायरस की मैं आपको डिटेल बताऊंगी। जिनमें सबसे कॉमन वायरस है बूट सेक्टर वायरस। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर की हार्ड डिस्क सेक्टर्स में डिवाइड होती है, और उन सेक्टर्स में से जो सबसे पहला सेक्टर है वो बूट सेक्टर कहलाता है, क्योंकि उस जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट सेक्टर में जो भी कोड पड़ा होता है वो सबसे पहले रन होता है, यानी आपका कंप्यूटर सबसे पहले बूट सेक्टर के पास जाएगा और बूटस्ट्रैप बूटर उसको बूट सेक्टर में मौजूद कोड देगा और आपका कंप्यूटर वो कोड मेन मेमोरी को दे देगा, यानी बूट सेक्टर में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है। तो जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को ऑन करेंगे, बूट सेक्टर लोडर बूट सेक्टर में से उस ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करेगा ताकि सीपीयू उसको रन कर सके। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में बूट सेक्टर वायरस आ गया है तो वो वायरस क्या करता है, वो अपने वायरस वाले कोड को डाल देता है बूट सेक्टर में, और बूट सेक्टर में डालने का मेन मकसद उसका ये होता है कि जैसे ही आपका कंप्यूटर ऑन होगा वो सबसे पहले बूट सेक्टर के पास जाएगा कोड लेने के लिए, तो बूट सेक्टर में जो भी कोड पड़ा होगा वो उठाकर ले जाएगा, और वहां पर क्या पड़ा होगा, वहां पर बूट सेक्टर वायरस डाल देगा वायरस वाला कोड, तो आपका कंप्यूटर उस कोड को मेमोरी में डाल देगा और सीपीयू उसको रन कर देगा, जिसकी वजह से कंप्यूटर ऑन होते ही सबसे पहले वायरस वाला कोड रन होगा, और रन होने के बाद वो आपके कंप्यूटर को खराब करना शुरू कर देगा, जैसे कि कमांड्स और फाइल्स वगैरह को डिस्ट्रॉय करेगा। और इसको बूट सेक्टर वायरस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये बूट सेक्टर में जाकर बैठ जाता है। इसके बाद है चेर्नोबिल वायरस। दोस्तों, चेर्नोबिल यूक्रेन के एक सिटी का नाम है, और वायरस इस वायरस ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के तमाम डाटा फाइल्स डिलीट कर दी थी, और इसके अलावा इसने हार्ड डिस्क में भी, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की हार्ड डिस्क थी, वहां से भी तमाम डाटा को डिलीट कर दिया था, जिसमें 6000 वर्कर्स का डाटा मौजूद था, यानी इसने बहुत बड़ी तादाद में डाटा को लॉस किया था। क्योंकि ये इंसिडेंट चेर्नोबिल में हुआ था, इसीलिए इसको चेर्नोबिल वायरस का नाम दिया गया था। तो दोस्तों, इसके बाद जो दूसरा वायरस है वो भी बड़े मजे का वायरस है, उसका नाम है लॉजिक बॉम्ब वायरस। दोस्तों, ये दूसरे वायरस से थोड़ा डिफरेंट होता है, ये ना तो आपके आपके रन करने पर एक्टिव होता है और ना ही आपके कंप्यूटर में आकर अपनी कॉपीज जनरेट करता है, बल्कि जिस तरह टाइम बॉम्ब्स होते हैं जिनमें टाइम सेट हुआ हुआ होता है, जैसे ही वो टाइम रीच होता है, पहुंचता है, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, तो ऐसे ही लॉजिक बॉम्ब वायरस आपके कंप्यूटर में आकर एक जगह बैठ जाता है, और इसके बनाने वालों ने इसमें टाइम सेट किया हुआ होता है या फिर कोई इवेंट सेट किया होता है कि भाई जब इस फोल्डर पर क्लिक हो, जब ये फाइल खुले, यानी कोई भी इवेंट अगर अकर हो रहा है तो उस पर ये वायरस एक्टिवेट हो जाए, या फिर किसी एक सर्टेन डेट या फिर एक टाइम पर ये वायरस एक्टिवेट हो जाए, तो इस तरह जैसे ही वो सर्टेन डेट या फिर टाइम आता है
ये वायरस एक्टिवेट हो जाता है और बैकएंड पर आपके कंप्यूटर को डैमेज करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि जो इसका सेंडर होता है, जिसको बनाने वाला होता है, वो आपके कंप्यूटर में ये डाल देता है, आपको पता ही नहीं चलता। वो इसने आज डाला है और टाइम उसने 2 महीने बाद का सेट किया होता है, तो 2 महीने बाद ये एक्टिव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह का वायरस है कि ये आपको पता भी नहीं लगता और खुद ब खुद कुछ महीने बाद ये एक्टिव हो जाता है। तो दोस्तों इसके बाद है ट्रोजन हॉर्स वायरस। दोस्तों ये ऐसे वायरस होते हैं जो आपके कंप्यूटर में भेष बदल कर दाखिल होते हैं। आपने देखा होगा कि अचानक आप मोबाइल यूज कर रहे होते हैं या गूगल पर कुछ सर्च कर रहे होते हैं तो कोई ऐड खुल जाता है कि भाई हमारा फला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, तो आपकी रैम की क्लीनिंग कर देंगे, आपकी प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट कर देंगे। तो आप बहुत खुशी खुशी वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं और उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के साथ साथ ये वायरस भी अपने आप उनसे चिपक कर आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाते हैं और आपके कंप्यूटर से आपकी इंफॉर्मेशन को चुरा कर अपने सेंडर्स, जिन्होंने ये ट्रोजन हॉर्स वायरस बनाया होता है, इनको दे देते हैं। इसके अलावा ये एक बहुत खतरनाक काम ये करते हैं कि ये दूसरे वायरसेस के लिए आप दरवाजा खोल देते हैं। यानी एक दफा जब ये वायरस आपके कंप्यूटर में आ जाता है तो दूसरे वायरस भी आपके कंप्यूटर में आसानी दाखिल हो सकते हैं। तो दोस्तों ये जो वायरस होता है ये बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि ये आपको दिखाता है कि भाई ये मैं एक सॉफ्टवेयर हूँ, आप मुझे डाउनलोड कर ले, मगर असल में ये कोई ना कोई वायरस होता है। इसके बाद है रेडलॉक वायरस। दोस्तों द रेडलॉक वायरस इज अ पॉलीमेरिक वायरस, यानी ये एक पॉलीमेरिक वायरस होता है और पॉलीमेरिक वायरस इस तरह का वायरस होते हैं जो कि आपकी कंप्यूटर की फाइल्स को डैमेज करने के बाद अपने आप को ऐसी फाइल्स में चेंज कर लेते हैं जो कि आपको लगता है कि वायरस वाली नहीं है। जैसे अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा कि विलन हीरो को मारकर खुद उनके जनाजे में शिरकत करने आ जाता है ताकि लोगों को उस पर शक ना हो। तो ये वायरस भी यही काम करते हैं और ये क्रिएट किए जाते हैं विजुअल बेसिक में, यानी विजुअल बेसिक लैंग्वेज से इनको क्रिएट किया जाता है। और इस वायरस का मेन फोकस होता है .htt फाइल्स, और ये उन्हीं फाइल्स को टारगेट करके इन्फेक्ट करता है, खराब करता है। यानी अक्सर आपने देखा होगा कि विंडोज के डेस्कटॉप पर फोल्डर्स मौजूद होते हैं और जब आप उन फोल्डर्स पर क्लिक करते हैं तो वो फोल्डर्स ओपन नहीं होते, यानी उसमें जो तमाम डेटा पड़ा होता है वो इन्फेक्टेड हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन फोल्डर्स को वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है, क्योंकि .htt फोल्डर्स विंडोज एक्टिव डेस्कटॉप फीचर का ही पार्ट होते हैं। तो रेडलॉक वायरस भी डेस्कटॉप फोल्डर्स को ही इन्फेक्ट करते हैं, खराब करते हैं। इनका मेन फोकस आपके डेस्कटॉप के ऊपर मौजूद तमाम फोल्डर्स होते हैं। इसके बाद है वॉर्म्स। दोस्तों वॉर्म्स एक इस तरह का वायरस होता है जो कि आपके कंप्यूटर की फाइल्स को डैमेज नहीं करता, बल्कि ये स्प्रेडिंग वायरस होता है। मींस जैसे ही ये आपके कंप्यूटर में आता है ये किसी भी फाइल को डैमेज नहीं करता, किसी फोल्डर को खराब नहीं करता, लेकिन ये आपके कंप्यूटर में आते ही अपनी थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज को जेनरेट कर लेता है, जिससे आपके कंप्यूटर की मेमोरी फुल हो जाती है और आपका कंप्यूटर स्लो काम करने लग जाता है। इसीलिए इसको स्प्रेडिंग वायरस भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत तेजी के साथ कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी कॉपीज को जेनरेट करता है बहुत तेजी के साथ। तो ये इसीलिए इसको स्प्रेडिंग वायरस या फिर स्प्रेडिंग वॉर्म्स भी कहा जाता है। तो ये ज्यादातर तब यूज किया जाता है ताकि किसी स्पेसिफिक वेबसाइट के सर्वर को डाउन किया जा सके इंटरनेट के थ्रू। अक्सर आपने सुना होगा कि गूगल का सर्वर डाउन हो गया है, फेसबुक का, तो वो दरअसल वॉर्म्स के जरिए ही किया जाता है। जैसे ही ये वायरस उस वेबसाइट के सर्वर्स में एंटर होता है तो अपने आप को इतना रेप्लिकेट करता है, इतनी सारी कॉपीज जनरेट करता है कि वो सर्वर फुल हो जाता है, और स्लो फुल हो जाने की वजह से वो स्लो काम करने लग जाता है, जिसकी वजह से हम सुनते हैं कि फलां का सर्वर डाउन हो गया है। और तो दोस्तों ये जो वॉर्म्स होते हैं इनका मेन मकसद होता है किसी भी स्पेसिफिक वेबसाइट जो है उसको नुकसान पहुंचाना, क्योंकि अगर गूगल हो, फेसबुक हो, तो इनको अगर 5 मिनट के लिए भी इनका सर्वर डाउन होता है तो इनको लाखों बल्कि करोड़ों डॉलर का नुकसान हो सकता है। इसके बाद है एक और वायरस, फाइल इन्फेक्टर वायरस। दोस्तों जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि ये इस तरह के वायरसेस होते हैं जिनका मेन फोकस आपके कंप्यूटर में मौजूद फाइल्स को
इनफेक्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके आपने कंप्यूटर में कोई फाइल ट्रांसफर की, उस फाइल में जो वायरस है वो फाइल इन्फेक्टर वायरस है, तो वो वायरस फिर आपकी तमाम फाइल्स, डेटा और डायरेक्टरी से अटैच होकर सबको डैमेज कर देगा। और ये वायरस आमतौर पर फ्लॉपी डिस्क के थ्रू एंटर करवाया जाता है और ये एंटर होते ही फौरन अपने आप को कॉपी कर लेता है आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में। यानी आपने फ्लॉपी डिस्क के अंदर वो वायरस है, आपने उस फ्लॉपी डिस्क को अपने कंप्यूटर में डाला, तो कंप्यूटर में डालते ही वो फौरन हार्ड डिस्क के अंदर अपने आप को कॉपी कर लेगा। और जब वो हार्ड डिस्क में अपने आप को कॉपी कर लेगा, इसका मतलब है कि आपके कंप्यूटर में अब वायरस आ चुका है, वो तमाम फाइल से अटैच हो जाएगा और तमाम फाइल्स को तो डैमेज करेगा ही करेगा। इसके अलावा अगर आप अपनी अगर आपके कंप्यूटर में कोई और फ्लॉपी डिस्क भी एंटर होती है जिसके अंदर वायरस नहीं है, या फिर कोई रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया जैसे कि यूएसबीज वगैरह, तो ये वायरस इतना चालाक होता है कि ये उन स्टोरेज मीडियाज के अंदर भी अपने आप को कॉपी कर लेता है। और कॉपी करने का मकसद ये होता है कि ये जब दूसरे कंप्यूटर में वो स्टोरेज मीडियाज को लगाया जाए तो ये उन कंप्यूटर्स के अंदर भी स्प्रेड हो जाए। तो दोस्तों इसके बाद जो आखिरी वायरस है वो है मैक्रो वायरस। दोस्तों मैक्रोस कहते हैं स्मॉल प्रोग्राम्स को जो कि आप अक्सर एक्सेल या वर्ड में बनाते हैं। जब आप एक जैसे कोड को बार बार लिख रहे होते हैं तो उन्हें मैक्रोस का नाम दे दिया जाता है। और ये जो माइक्रो वायरस होता है ये दरअसल इन्हीं माइक्रोस को इन्फेक्ट करने के लिए, खराब करने के लिए बनाया जाता है। तो दोस्तों ये थी कुछ वायरसेस की टाइप्स। अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इन वायरसेस से बचा कैसे जा सकता है, क्योंकि अभी तो मैंने आपको बता दिया कि ये वायरस होता है, बूट सेक्टर वायरस होता है और दूसरे वायरस होते हैं, वॉर्म्स होते हैं। अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि ये तमाम वायरस हमें इन्फेक्ट तो करते हैं। आपने देखा होगा कि गूगल का सर्वर है या फेसबुक का सर्वर है डाउन तो हो जाता है, लेकिन फिर दोबारा से ये ठीक कैसे हो जाता है, ये वायरस के अगेंस्ट क्या क्या आपको सेटिंग्स करनी पड़ती हैं, इन तमाम चीजों की डिटेल्स देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर आपको किसी भी चीज में कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं।